नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल अंतिशक न्यूज है एंड न्यूज की खास पेशकश में सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और यहां पर अंतिशक को संबंधित बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी अपडेट आ रही है। क्या कहा राकेश पटेल जी ने इस खास वीडियो में हम बताएंगे, और क्या संदेश दिया है अंतिशक के लिए ये पूरा बताएंगे। लेकिन छोटा सा निवेदन, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे खबर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। बुद्ध साथियों, आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जो कि राकेश पटेल जी के द्वारा की गई है। हमारे समाचार संवाददाता अंतिशक न्यूज के जो रिपोर्टर है उनकी बात हुई फोन पर, और ये कंफर्म किया गया कि पोस्ट क्या राकेश पटेल जी की है। वहां से राकेश पटेल जी ने कहा जी हाँ सर, ये हमारी पोस्ट है, आप अपने चैनल पर इसे चला सकते हैं। आई साथियों, बिना किसी रुकावट के देखते हैं क्या कहा है इसमें राकेश पटेल जी ने। प्रिय अंतिशक साथियों नमस्कार। साथियों, कई जनपदों से बहुत सारे अंतिशक साथियों का फोन आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने के लिए सहयोग मांगा जा रहा है क्या। मैंने उन सभी को स्पष्ट करना चाहा कि सुप्रीम कोर्ट में कैविट पहले से दाखिल है, जिसकी कॉपी मैं इस पोस्ट में लगा रहा हूं। आप सब देख सकते हैं, न्यायालय जाना अंतिम प्रक्रिया होती है। अभी कार्यपालिका के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है कि सरकार डबल बेंच के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ना जाए, जिसके लिए हम आचियों के लिए गए प्रत्यावेदन पर प्रस्ताव बनकर शासन को गया है। कैविएट दाखिल है, इसलिए अभी पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के जैसा होगा। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि सुप्रीम कोर्ट के नाम पर अगर कोई सहयोग मांगता है तो कतई ना दे, जिससे बनता हुआ मामला न्यायालय में जाकर फंस जाए या लंबा खींचे। तो साथियों, ये समाचार आ रहा है राकेश पटेल जी के माध्यम से, जो कि यूपी अंतिशक लीडर हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व माध्यमिक अंतिशक कल्याण समिति उत्तर प्रदेश अभी न्यायालय जाने के मूड में नहीं है, और ना ही किसी से कोई आर्थिक सहयोग मांगा जा रहा है। ये राकेश पटेल जी ने पोस्ट के माध्यम से अंतिशक को बताया ही है। चैनल की रिपोर्टर से बात हुई मात्रा में भी उन्होंने यही बात कही है। तो गुरु जी, धैर्य रखना पड़ेगा कुछ और। इधर दूसरी तरफ अंतिशकों में ये सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है कि लगभग 90 दिन पूरे होने जा रहे हैं माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद डबल बेंच का आदेश सुनाए, लेकिन सरकार ने अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं शुरू की है मानदेय 17,000 को लेकर, 17,000 देने को लेकर। हालांकि राकेश पटेल जी के द्वारा बताया गया है शासन में इसके लिए भेज दिया गया है प्रस्ताव। तो साथियों, आप देख रहे थे अंतिशक न्यूज, बन रही हमारे साथ अंतिशक न्यूज पर। हर खबर को सबसे पहले पाने के लिए सटीक और सत्य जानकारी आप देख रही हमारे साथ एन न्यूज पर। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।